काफी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल देख लिया तो आप सबको पता है आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो हाल ही में अभी कॉल आया था हमको कोरियर वाले का कि कोरियर आपका आ चुका है, तो अभी देखेंगे हम कोरियर वाले भैया आएंगे फिर उनसे हम कोरियर लेंगे, उसके बाद हम उसकी जो पूरी की पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे की ओर। मंदा हेरा हेरा ए बंदा नी मंदा पाड़ी बंदा पाड़ी बंदा। तो आ गए हैं ये हमारे भाई, देखो बढ़िया हमारा कोरियर लेके। तो अभी हम पिकअप करते हैं देन फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी ये हमारा कोरियर आ चुका है, इसको करते हैं हम लोग अभी ओपन। इसको भी करते हैं हम साइड में। तो कुछ इस तरह से सील लगी हुई है, सेफ्टी प्रोटेक्शन, सेफ्टी के हिसाब से इसको भी हम ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा बॉक्स आया है। इसमें यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है डिटेल वगैरह, कैमरा स्टिक वगैरह डिटेल, मैनुअल, और ये किस तरह से ओपन होगा, किस तरह से बंद होगा, किस तरह से मोबाइल इसमें अटैच होगा, ये सब दिया हुआ है। ये हमारे स्टैंड के बारे में डिटेल दी हुई है, खोलने का, लेग्स खोलेंगे, क्लोज करने का, और क्या मोबाइल किस तरह से लगेगा ये चीज़ भी बताई हुई है। 360 रोटेट कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो चलिए साथ में इसमें ये एक पर्ची भी दी हुई है, देखते हैं इसमें पर्ची कैसी है। इसमें लिखा हुआ है इन्फिनिटी शोरूम कंपनी का डियर कस्टमर वगैरह, कंपनी का जो भी कंपनी है उनकी तरफ से इसमें लिखा हुआ है जो भी है, ये कागज़ है। और बाकी अब इसको देखते हैं हम खोल के, क्या इसमें क्या है, जिस तरह से ये, तो ये स्टिक इस तरह से खोलेंगे हम, ये इस तरह से ऊपर तक खुल जाती है, और फिर इसी हिसाब से हमने जिस तरह से जैसे कितना एडजस्ट करनी है उस हिसाब से क्लोज ओपन, और उसके साथ हमें देखते हैं ऊपर कितना स्टिक लंबी हो जाती है, कितना इसमें जो है इस तरह कितनी लंबी जो है ये हो जाती है, और इसमें क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब 5 स्टार में ऐसे 4 स्टार तो मिलनी चाहिए। देन ये रहा इसमें जो कैमरा के लिए ब्लूटूथ सेंसर है, इसमें बटन भी है साथ में, इसमें पीछे ये आप देख सकते हो ये पीछे यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सेल डलता है इसमें, इसमें चार्जिंग चुर्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि सेल से चलता है ये बटन, इसमें ये चलता है। बीच में कैमरा का लोगो दिया हुआ है यहाँ पे प्रेस करने के लिए, और ये स्टैंड ही, अगर आपने इसको स्टैंड में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप रख सकते हैं अपना मोबाइल इसमें लगाकर, और ये एडजस्ट करने के लिए स्प्रिंग, तो इतना उस हिसाब से तो अच्छा ही है। बाकी ये यहाँ से इस तरह से ओपन होता है, यहाँ पे अब फ़ोन फंसेगा मोबाइल फंसाने के लिए, फिर उस हिसाब से इसको ओपन करने के लिए एडजस्टेबल काफ़ी बड़ा हो जाता है ऐसा, अच्छे क्वालिटी का बहुत टाइट है। और अभी हम इसमें देखते हैं अपना मोबाइल लगाते हैं किस तरह से क्या दिखता है। तो चलिए मोबाइल है, इसको हम इसमें एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है क्या फाइनली। तो अभी हमने इसको एडजस्ट कर दिया, इसमें लॉक हो गया, भी ठीक है, ओके है, इस तरह तक कर लगा लिया है, कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी बैकग्राउंड, ये हमारा मोबाइल लगा हुआ है। और अगर इसको हमने जैसे स्टैंड भी बनाना हो, आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको इसको सामने रखना है टेबल पे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और ये मोबाइल हमने इस तरह से आगे रख दिया, तो हम इस तरह से कोई भी अपनी वीडियो बना सकते हैं आपने सामने खड़े होके। साथ में ये अगर आपने दूर से कोई फोटो वगैरह लेनी है, अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, पेयर करने के बाद इसको बिल्कुल जैसे आपने कोई दूर से खड़े होकर कोई फोटो भी लेना तो बटन दबा के फोटो ले लेता है। इस तरह के साथ ही फोटो लेने के साथ ही आपने वीडियो भी प्ले करनी है, जैसे आप दूर खड़े बैठे हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा दूर रखा हुआ है मैंने फ़ोन, अभी इसमें से हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो हम दूर से इसमें से बटन दबाएंगे तो वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा उसके बाद हम जो मर्जी हम वीडियो में कर सकते हैं। जैसे हमने अगर वीडियो बंद भी करनी है बिना उठे हुए आप मोबाइल के पास जाए बिना, तो ये बटन दबाना है और सेव कर देगा।
तो उम्मीद करता हूँ हम सबको अच्छा लगेगा। साथ ही में अगर ये एक और चीज़ बताऊँ इसमें, तो जैसे कि अभी ये छोटा है, अगर आप इसको चाहे हाइट में लेना चाहें तो हाइट में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी हाइट ऊंची करना चाहते हैं। लगभग इतनी हाइट ले लेता है, देख सकते हो आप कितनी हाइट है। बाकी आप इसको जिस तरह से अगर ऊपर को करना चाहते हो तो ऊपर को इतना होता है, अगर नीचे को कुछ दिखाना चाहते हो तो इस तरह से नीचे को करके आप अपना कोई भी चीज़ दिखाना चाहते हैं, कैमरे से शो करना चाहते हो, वो चीज़ भी आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो साथ ही में आपको मैंने अभी तक इसमें जितना मेरे को इसके बारे में नॉलेज था, जितना इसको चीज़ बारे में मतलब जानता था मैं कैमरे के इस सेल्फ स्टिक के बारे में, तो उतना मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते रहेंगे इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके साथ। तब तक के लिए जय शंकर।